अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच टोस्ट। ये एक आज मैं आपको जो टोस्ट रेडी करने जा रही हूँ, ये जस्ट लाइक केक बहुत ही फ्लफ़ी बन के रेडी होता है और सुपर डिलीशियस होता है। तो ये एक झटपट बनने वाला एक डेजर्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 2 eggs, इनको मैं ब्रेक कर लूँगी और साथ ही मैं यहाँ पे मैं इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स और ऐड करूँगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इसमें ऐड करूँगी 1 tablespoon पाउडर्ड शुगर। अगर आपके पास पाउडर्ड शुगर नहीं है तो आप ग्रेनुलेटेड शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा विस्क ज़्यादा करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे 100 ml मिल्क यानी कि 1 cup मिल्क अप्रॉक्स में यहाँ पर मैंने ऐड किया है। साथ ही में मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1/4 teaspoon वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इससे आपके टेस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए एक वाइड विस्क से, जो इस तरह का विस्क होता है, इससे मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो ये पॉट है, जो ये बोल है, छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैंने इसको दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब हमको इसको इतना विस्क करना है जब तक कि एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती, एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो एग वॉश है रेडी कर लिया है। तो चलें अब हम यहाँ पर 4 bread slices लेंगे, और जो ब्रेड स्लाइसेस हैं आपकी, कोशिश करिएगा कि फ्रेश होने चाहिए, अदरवाइज़ अगर लेफ्ट ओवर स्लाइसेस भी होंगी तो उससे भी आप ये रेडी कर सकते हैं। तो चलें अब मैं इनकी जो एजेस हैं मैं इनको रिमूव कर लूँगी, और इन एजेस को आपको फेंकना नहीं है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो ये ब्रेड के एजेस होते हैं, इससे आप ब्रेड क्रम्स बहुत ही ईजिली घर पर रेडी कर सकते हैं। बस इसको आप ड्राई करिए, सन ड्राई करिए, या फिर आप तवे पे, कढ़ाई पे, या इवन आप माइक्रोवेव में भी इसको ड्राई कर सकते हैं, एंड देन आप इसका एक फाइन पाउडर रेडी कर लें। तो चलें यहाँ पे देखें, मैंने जो स्लाइसेस हैं इनके एजेस को रिमूव कर लिया है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इस तरह का एक कंटेनर लेना है कि इसमें हमारी पेयर ऑफ स्लाइसेस यानी कि दो स्लाइसेस असेंबल हो जानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका टू पेयर ही बने। अगर आपका छोटा कंटेनर है तो आप 1 pair करके बैचेस में भी इसको रेडी कर सकते हैं। तो अब हमारा जो एग वॉश है जो, तो हमें इस तरह से इसमें पोर कर देंगे, और इसको मैं बहुत ही केयरफुली, आप कोशिश करिएगा कि इसको इस तरह से फ्लिप कर दें, तो जो हमारा जो दूसरा साइड होगा उसमें भी हमारा एग वॉश होगा, अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये बचा हुआ जो हमारा है एग वॉश, वो भी हम इसमें इस तरह से पोर कर लेंगे, और पोर करने के बाद आपको इसे 15 to 20 minutes के लिए साइड में रख देना है, छोड़ देना है, जिससे हमारा जो एग वॉश है वो ब्रेड एब्जॉर्ब कर ले। तो ये देखें 15 minutes बाद हमारा, ये 20 minutes बाद हमारा एग ऐसा दिख रहा है, ब्रेड स्लाइसेस। तो एक पैन में हमने यहाँ पर बटर को हीट कर लेना है। यहाँ पर 1 tablespoon मैंने बटर लिया है, और बटर जब हल्का सा हीट हो जाए, आपको फ्लेम को बिल्कुल लो करना है, क्योंकि बटर जल जाता है फ़ौरन ही, तो इसलिए आपको फ्लेम बिल्कुल ही लो करना है। एंड देन जब आप जो बटर है वो मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा हीट हो जाए, तो आप ये ब्रेड स्लाइसेस जो आपने पेयर रेडी किए हैं वो आप इसमें प्लेस कर दें इस तरह से। और प्लेस करने के बाद जब 1 time पे अच्छा सा ये फ्राई हो जाए, तो आप इसके जो साइड्स को चेंज कर दें, इसको टर्न कर दें इस तरह से। और साथ ही गाइज आपको जो इसके चारों साइड्स हैं उसको भी कोशिश करके करिएगा इस तरह से कि चारों साइड भी आपके ये फ्राई हो जाने चाहिए, कुक हो जाने चाहिए। तो यहाँ देखें इस तरह से मैं इसके सारे साइड्स भी कुक कर लूँगी, तो इससे हमारे, वरना जो साइड्स होंगे वो आपके कच्चे रह जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखें हमने इसको सारे साइड्स से मैंने कुक कर लिया है, और हमारा फ्रेंच टोस्ट रेडी है। अब आप इसको सर्व करें, ये बहुत ही फ्लफ़ी बन के रेडी हुआ है, जस्ट लाइक केक। तो आप इसको हनी के साथ या कैरमल सिरप के साथ, किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर इसको विदाउट कैरमल एंड हनी के साथ सर्व किया है। एंड ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन बन के रेडी होता है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।